रावसर क्षेत्र के लोग कोरोना संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए कर रहे हैं बढ़ चढ़कर सहयोग। कोरोना मरीजों के उपचार में कोई संसाधनों की कमी ना रहे, इसके लिए क्षेत्र की जनता बढ़ चढ़कर सहायता करने में जुटी हुई है। आज दानदाताओं द्वारा दी गई सहायता राशि से खरीदी गई 5 कॉन्सट्रेटर मशीनें रावसर पहुँचने पर BCMO डॉक्टर संजीव चौधरी व उपखंड अधिकारी शिवा चौधरी को सौंपे गए। एक कॉन्सट्रेटर मशीन स्वामी समाज ने खरीद के लिए 1,13,000 रुपये की सहायता राशि व एक कॉन्सट्रेटर मशीन जाट लोक सेवक समिति रावसर द्वारा 1,85,000 रुपये व 3 कॉन्सट्रेटर मशीनें खरीदने के लिए रावसर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने 2,00,000 रुपये दिए व 31,000 रुपये पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल व 21,000 रुपये विकास पुत्र रिचपाल सोनी ने वार्ड पार्षद भगवती प्रसाद आर्य की प्रेरणा से दिए। वहीं राजपूत समाज ने भी रावसर में ऑक्सीजन की व्यवस्था व इलाज संबंधी अन्य व्यवस्थाओं व उपकरण खरीद के लिए 1,51,000 रुपये BCMO डॉक्टर संजीव चौधरी को सौंपे। इस प्रकार से क्षेत्र के जागरूक नागरिक अपनी अपनी निजी आय से महामारी के दौर में लोगों की सेवा के लिए खुलकर मदद को हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए हमारे रावसर CSC के अंदर संसाधनों की कमी थी। SDMM ने और डॉक्टर संजीव जी ने BCMO साहब ने हमें ये कहा कि ये कमी है, तो हमने अपने स्तर पर प्रयास किए, लोगों से निवेदन किया, तो स्वामी समाज ने सबसे पहले हमारे को एक ऑक्सीनेटर हमारे को जिले राशि देने के लिए उन्होंने हाँ भरी और दे भी दिए पैसे। फिर जाट लोक सेवा समिति ने भी हमें दे दिया और 2,00,000 रुपये हमारे को दिए सरपंच यूनियन जो रावसर साइड के थे और बाकी 31,000 रुपये MP साहब ने दिए, 21,000 विकास सोनी ने दिए। इस तरह करके हमारे 5 ऑक्सीनेटर तैयार हो गए और अब आज अभी जो हमने रसीद लाई है और राजपूत समाज से हमने निवेदन किया था 2 दिन पहले, इतने शॉर्ट टाइम में 1,51,000 रुपये की इन्होंने मदद दी है और ये आश्वासन दिलाया है कि हमें और भी अगर डॉक्टर साहब को जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल देंगे। आप 18 बेड तैयार करवाइए।